शिवपुरी जनपद कार्यालय पर दिव्यांग शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें शिवपुरी जनपद पंचायत क्षेत्र की ग्राम पंचायतों से बड़ी संख्या में दिव्यांगों को इस शिविर में लाया गया। इस शिविर के दौरान डॉक्टरों द्वारा दिव्यांगों का परीक्षण किया गया, साथ ही दिव्यांगों को उपकरण उपलब्ध कराने के लिए उनके फॉर्म भी भरवाए गए। शिविर में कुछ ऐसे ही दिव्यांग लोग आए जिन्हें बैटरी वाली ट्राईसाइकिल की जरूरत है। वहीं जनपद सीईओ का कहना है कि प्रत्येक वर्ष सरकार के दिशा निर्देश पर दिव्यांगों के लिए और उनकी समस्याओं का समाधान करने जनपद शिवपुरी पर शिविर लगाया जाता है। जनपद पंचायत अध्यक्ष का कहना है कि प्रदेश सरकार गरीबों के हित में कार्य कर रही है और लगातार हितकारी योजनाओं को चलाकर हर वर्ग के व्यक्ति को लाभ पहुंचा रही है। क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम बद्री है बाबू। कौन सा गांव के हो? स्टोंगरा। तो ये तो कितने विकलांग हो तुम, क्या हुआ? भाई साहब मैं पूरा 100% विकलांग हूँ। मैं तो करते क्या हो तुम? मुझे गांव मैं दुकानदारी करता हूँ, इस परचून की। काय पे चलाते दुकान है? क्या साइकिल पे चलाता हूँ, तीन पहिए वाली साइकिल। हाँ, तो अभी जो झांस तुम कैंप में आए थे यहाँ पर, हाँ काय के लिए आए हो, क्या चाहिए तुम्हें? बैटरी वाली साइकिल चाहिए बाबू। बैटरी वाली साइकिल? हाँ। तो फार्म भरा भरा तुमने अभी? फार्म भरा। इंतजार रहेगा तो वहाँ बैटरी वाली साइकिल मिल जाएगी। हाँ भाई साहब, वैसे मैडम ने कही थी गांधी पार्क में, जो हमने कागज जमा करे कि मैंने तुमको बैटरी वाली साइकिल लग दी बाबा, तुमको मिलेगी। तो मिली जब से अभी तक नहीं मिली? नहीं मिली है, साल भर हो गए बाबू जी, फार्म भरे तो बैटरी वाली साइकिल चाहिए। हाँ सर, आज जो दिव्यांगजनों के लिए शिविर लगाया गया जनपद में, तो क्या इसका उद्देश्य है? उद्देश्य तो ये है कि सरकार की जो भी योजनाएं हम गरीबों तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं जनपद के द्वारा, ठीक है ना, हम अध्यक्ष होते नाते कि हम पूरे पंचायतों में सबको कवर किए, सूचना दी है कि जो भी समस्याएं आपकी वो हम यहाँ पर निराकरण कर रहे हैं, और डॉक्टरों के जरिए जिन विकलांगों का भी पूरा सहयोग कर रहे हैं कि उनका प्रमाणीकरण बनना है या और आगे आने वाले वहाँ में साइकिल वितरण भी करना है सरकार द्वारा, तो हमें उसका अवसर मिल रहा है। जो यहाँ पे विकलांगों पे आने जाने की कोई व्यवस्था रखी गई है या साइकिल वगैरह? नहीं रखी है, पर अभी उसका समय नहीं, अभी तो सिर्फ पंजीयन बनना है। पंजीयन के लिए अपन ने सबको बुलाया है, हर जगह हर पंचायतों में अपन ने कवर करके। आपका नाम? ये दिव्यांग लोगों के उपकरण वितरण के लिए उनका परीक्षण शिविर लगाया गया है, जो इनको दिव्यांगता का प्रमाण पत्र इस परीक्षण के उपरांत उपलब्ध कराया जाएगा, और जब शासन के द्वारा हमारे पास अन्य उपकरण आएंगे तो उनको वितरण के लिए इनको कुछ नए भी प्रमाण पत्र बनाए जा रहे हैं, जैसे डॉक्टर बनाया जाएगा। हाँ, चार विभागों के हमारे पास आए हुए हैं, नेत्र, हड्डी रोग विशेषज्ञ, मानसिक और ENT। तो इसमें नगरपालिका का भी कुछ? हाँ, नगर पालिका और जनपद का कंबाइंड कैंप है। काफ़ी लोग आ रहे हैं इसमें, तो उन लोगों को फायदा हो रहा है इससे? बिल्कुल आ रहा है, हमने गांव-गांव तक इसका प्रचार प्रसार कराया था, तो सचिव और सरपंचों के माध्यम से कई सारे लोग आए, नगर पालिका क्षेत्र के कई